जो चंचलता हर लेते हैं, अपनी प्रीति ओज शांति माधुर्य भर लेते हैं, उन हरि में हम शांत हो गए। जो पाप ताप को हर ले और अपना ज्ञान प्रकाश भर ले, उस हरि में हम शांतात्मा हो रहे। शांतात्मा होना ही भगवान की शरण होना है। भोले बाबा लिखते हैं कि दीपावली में जगमगाती रोशनी चहुं और है, जो इंद्र ग्रह सोहे दीपावली, सब ठौर है। कुएं गली बाजार में है, रात का दिन हो रहा तो भी यह अंतर मलिनता दिव्य दिवाली कहाँ हो रहा है। बाहर तो उजाले हो रहे हैं, लेकिन अंतर में शांति नहीं, अंतर में भगवत दिया नहीं, अंतर में भगवत प्रकाश नहीं, भगवत माधुर्य नहीं। तो चहुं और दिए जगमगाए गली गुंची में, मकान दुकान में, मानो इंद्रपुरी बन गई। लेकिन हृदय को अगर भगवतपुरी नहीं बनाया तो भैया इंद्रपुरी भी कब तक। धनभागी वे हैं जो हृदय को भगवतपुरी बना रहे, हरि की शांति में आ रहे, हरि के माधुर्य में प्रवेश पाने हम जा रहे प्रीतिपूर्वक। उसमें शांत होना ही उसकी शरण जाना है। ये असली दिवाली, अंतर ज्योत, अंतर आराम, अंतर आनंद, अंतर सुख। बाहर के दिए बहुत जले जलाए, अब अंतर आत्मा का ज्ञान दीपक प्रगटाओ प्रभु। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। अंतर में जुग जुग से सोई चिति शक्ति को जगाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ प्रभु जी, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। हे योगेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ। भगवत प्रेम का अमृत, वास्तविक मधुरता, वास्तविक दिवाली को प्रकट करने वाला है। साची ज्योत जगे जो हृदय में, सोहम नाद जगाओ। वह साक्षी चैतन्य सच्चिदानंद आत्मा मैं हूं, इस प्रकार की ज्ञान की ज्योत जगाओ। बाहर के दिए तो बहुत हो गए, दीपक हजारों जगमगे, रोशनी चहुं और है। जो इंद्र ग्रह से लगे दीपाली, सब जग होए है। कूपे गली बाजार में, रात का दिन होए है, तो भी रहा अंतर अंधियारा, दीपावली असली ना होए है। अंदर की ज्योत जगाओ, नहीं तो बाहर तो खूब उजाले हुए। वर्षा गई, ऋतु शरद आई,
अन्न में ही पूर्ण है। पक्षी पशु चर अचर उत्साह से जो पूर्ण है। साल का आरंभ सारी वस्तुएं भी है हुई, छूटा नहीं अज्ञान तो क्या दिवाली कैसी गई। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, ज्योत से ज्योत जगा। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, सो हम नाद जगाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगा, अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगा। सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में सदगुण अविनाशी, जीवन में अभी
स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पुत कपूत हैं तो हे पिता तेरी याद। हरी 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 ओ, नारायण नारायण नारायण। पढ़ो। बाह्य दीपे जगमगाएं, प्रभु करे कि आत्मदिया जगाने की भी भूख लाए। इसी भूख में ताकत है कि हम सारे कर्म बंधन मिटाएं, आत्म ज्योति जगाएं। पांच पर्वों के पुंज इस दीपावली महोत्सव को लौकिक रूप से मनाने के साथ साथ हम उसके आध्यात्मिक महत्व को भी समझें, यही लक्ष्य हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों का रहा है। इस पर्व पुंज के निमित्त ही सही अपने ऋषि मुनियों के, संतों के, सद्गुरुदेव के दिव्य ज्ञान के आलोक में हम अपना अज्ञान अंधकार मिटाने के मार्ग पर शीघ्रता से अग्रसर हों। मनुष्य जीवन का विकास करने वाले ऐसे पर्वों का आयोजन करके जिन्होंने हमारे समाज का निर्माण किया है, उन निर्माताओं को हम सच्चे हृदय से वंदन करते हैं। अभी कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें इतने सारे उत्सव हों, एक साथ इतने सारे लोग ध्यान मग्न हो जाते हों, भाव समाधिस्थ हो जाते हों, झूम उठते हों। जैसे स्तंभ के बगैर पंडाल नहीं रह सकता, वैसे ही उत्सव के बिना धर्म विकसित नहीं हो सकता। जिस धर्म में खूब खूब अच्छे उत्सव हैं वह धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म के बालकों को अपनी सनातन वस्तु प्राप्त हो। जिसके जीवन में उत्सव नहीं है उसके जीवन में विकास भी नहीं है। जिसके जीवन में उत्सव नहीं है उसके जीवन में नवीनता भी नहीं है और वह आत्मा के करीब भी नहीं है। भारतीय संस्कृति के निर्माता ऋषिजन कितनी दूरदृष्टि वाले रहे होंगे, महीने में अथवा वर्ष में एक दो दिन आदेश देकर कोई काम मनुष्य के द्वारा करवाया जाए तो उससे मनुष्य का विकास संभव नहीं है। परंतु मनुष्य यदा कदा अपना विवेक जगाकर उल्लास, आनंद, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और स्नेह का गुण विकसित करे तो उसका जीवन विकसित हो सकता है। दीपावली अर्थात अमावस्या के गहन अंधकार में भी प्रकाश फैलाने का पर्व, यह महापर्व यही प्रेरणा देता है कि अज्ञान रूपी अंधकार में भटकने के बजाय अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश ले आओ। पर्वों के पुंज इस दीपावली के पर्व पर घर में और घर के बाहर तो दीप मालाओं का प्रकाश अवश्य करो, साथ ही साथ अपने हृदय में भी ज्ञान का आलोक कर दो। अंधकार में जीवन व्यतीत मत करो, वरन उजाले में जियो, प्रकाश में जियो। जो प्रकाशों का प्रकाश है उस दिव्य प्रकाश का, परमात्म प्रकाश का चिंतन करो। सूर्य परमात्म प्रकाश का चिंतन करो, ये हमारा प्रवचन पहले वाला है, वो पढ़ रहा है। अगली दिवालियों पर जो हमने सत्संग किया वही पढ़ रहा है ना। पुस्तक का नाम है पर्वों का पुंज दीपावली, ये हमारा सत्संग है, ये दूसरी किताब नहीं है, हम ही बोले हुए हैं, हमको ही मजा आ रहा है।
एक बार रामकृष्ण अपने फोटो को देखकर प्रणाम कर रहे थे, बड़ा प्रेम कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। लोगों ने बोला, हद हो गई ठाकुर, ये तो तुम्हारा फोटो है, तुम्हारा फोटो अंत में पगे लागो छो महाराज, ऐसे आपको लोग अर्ध पागल बोलते, ये तो आप अपने फोटो को प्रणाम करके पूरे पागल हो रहे हो। बोले, नहीं है, मेरा फोटो नहीं है, जब मैं नहीं रहा होऊंगा तभी आ गया होगा। ऐसे ही कभी कभी ऐसी बात निकलती कि जब अपना मैं नहीं होता है और ईश्वर ही ध्वनि होती है, तो वो अपना प्रवचन भी अपने को अच्छा लगता है, है? वैसे तो किसी अहंकार के कारण भी होता है, देखो मेरा भाषण बढ़िया, मेरा भाषण बढ़िया, वो बढ़िया होना अलग बात है, और भगवत शांति और भगवत आनंद देने वाली बात अलग बात है। तो ये पर्वों का पुंज दीपावली पर्व माला पुस्तक में अगली दिवालियों को जो हमने सत्संग किया वो आया है, वो पढ़ते जा रहे हैं और हम उसको समझें और अंतर प्रकाश करने का इरादा पक्का बना रहे। गीता में तीन योग बताए, एक समत्व योग, दुख संयोगात वियोगात योग असंगीत, जहां दुख का संयोग ही नहीं है वो भी योग है। योग कर्म सुकौशल, कर्म तो करें लेकिन उस कर्म में कर्तृत्व तो न हो, कर्म का प्रवाह बाहर हो और अपने को फिर कर्म के बाद विश्रांति मिले। तो योग कर्म सुकौशलम, दूसरा समत्व योग, और तीसरा है तम विद्या दुख संयोग वियोगात योग संगीतम सनिश्चय न योक्तव्यो योगो अनिर्वाण चेतसा, छठे अध्याय का 23वां श्लोक। इन तीनों में से कोई भी योग कर लो, योग अर्थात ईश्वर से मिल लो, अपने आत्मा से मिल लो, ज्योत से ज्योत जगा लो। श्री कृष्ण बोलते, ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, वो आत्मा ज्योतियों की ज्योति है, अंधकार से परे है, अंधकार को भी जानने वाली वह आत्मज्योत है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, वैसे तो भोले बाबा संसारी आदमियों को समझाते हुए कहते हैं कि वर्षा गई ऋतु शरद आई, अन्न से मही पूर्ण है, पक्षी पशु चर अचर उत्साह से परिपूर्ण है, साल का आरंभ सारी वस्तुएं भी है हुई, छूटा नहीं अज्ञान तो क्या दीपावली हुई, आरोग्य रोगी हो गए रोगी निरोग हो गए, दुख दर्द से छूटे दुखी, बड़े युवा नर नारी बालक दिखते हैं सब सुखी, आ दिव्य दिवाली जगत भर में उजाला कर गई, अंतर नहीं यदि चांदना तो क्या दिवाली आ गई। निरोगी रोगी हो गए, बालक जवान हो गए, जवान शादी विवाह कर लिए, शादी विवाह वालों को संतान हो गई, अनपढ़ पढ़ लिए लेकिन अंतर आत्मा की ज्योत नहीं जगी तो आखिर मर कर क्या जख मारेंगे। कोई क्रिकेट बन जाता है तो कोई प्रेत बन जाता है, तो कोई घोड़ा बन जाता है, तो कोई बैल बन जाता है, तो सब दिवालिया आखिर क्या। इसलिए भैया लाला मेरे मित्र सखा स्नेही, अंतर आत्म प्रकाश की दिवाली का लक्ष्य बना लो। अंतर नहीं यदि चांदना तो क्या दीवा दिया दिवाली हुई, आकाश निर्मल दिखता है, निर्मल हुआ है चंद भी, थिर हो गया है सिंधु, निर्मल बह रही नदियां सभी, बारिश गई दिवाली आई, नदियों के नर जल निर्मल हुए, ये सब ठीक है। सप्रेम लक्ष्मी देवी की श्रद्धा सहित पूजा भी की तो भी रहा मन मलिन तो क्या दिव्य दिवाली हुई।
लक्ष्मी पूजन भी हो गया लेकिन मन तो मलिंदा, ये भोगूं ये खाऊं ये करूं सुखी रहूं, अंदर का सुख नहीं किया तो भैया अभी दिवाली और नदियों के जल निर्मल हुए लेकिन मन मलिंदा तो आखिर क्या। इसलिए मन को निर्मल ध्यान से, निर्मल चिंतन से, निर्मल स्मृति से, निर्मल जिज्ञासा से मन को निर्मल करो कि ऐसे दिन कब आएंगे कि अपने आत्म सुख में जगूंगा, अपने हृदय की निर्मलता करूंगा, निर्मल सुख पाऊंगा, संसार के सारे सुख विकारों के मल से भरे। आज दिवाली की रात को जितना ज्यादा से ज्यादा पतंगियों को सुख मिलेगा उतना कभी नहीं मिलता वर्ष। जहाँ भी कीट पतंग होंगे उड़ उड़ के दियों के आगे सुख लेने के आएंगे और उसी सुख विकारी सुख में आज जितने पतंगिये छटपटाएंगे, दुखी होंगे, रिबाएंगे, उतने कभी नहीं रिबाएंगे। तो ये मलिन सुख है जो बाहर भगाता है और निर्मल सुख है जो अंदर में जगाता है। तो बाहर के सुख का उपयोग करके आप अंदर के सुख में आओ भैया। आकाश निर्मल दिखता है, निर्मल हुआ ये चंद भी, थिर हो गई सिंधु निर्मल, बह रही नदियां सभी। सप्रेम लक्ष्मी देवी की श्रद्धा सहित पूजा भी की तो भी रहा मन मलिन, तो क्या दी दिव्य दिवाली हुई। घी तेल के दीपक कहीं कहीं, गैस की बिजली की चमक, कहीं झाड़ और कहीं झाड़ और फानूस की, कहीं मोमबत्ती की दमक रही है। मित्र मिलते मित्र से जयकार ध्वनि छा गई, चिंता मिटी नहीं चित्त की तो क्या दिवाली दिव्य हुई। मित्रों से भी मिले, जय जयकार भी हुआ लेकिन हृदय की चिंता नहीं मिटी, चित्त का चिंतन चैतन्य का नहीं हुआ तो फिर बेटे दिवाली तो देखने भर की हुई। इसलिए इस देखने भर की दिवाली का उपयोग करके जिससे दिवालियां देखी जाती है उस परमात्मा दिवाली की प्यास जगा ले। चिंता मिटी नहीं चित्त की तो क्या दिव्य दिवाली हुई। बोले बाबा आगे कहते हैं, फूटे सकोरे में भला दीपक सकू कैसे जला, जूनी रुई जलती नहीं है तेल में पानी मिला, आंधी जहां हो चल रही जैसे दीप जले दीपक वहां, आंधी जहां हो चल रही कैसे जले दीपक वहां, हो चित्त जब विक्षिप्त तो दिव्य दिवाली कहां। जैसे आंधी चलती हो और दिए में तेल की जगह पे पानी भरा हो और सड़ी गली पुरानी रुई हो तो दिया नहीं जलेगा, ऐसे सड़े गले पुराने विचार, भूतकाल के विचार, भविष्य के विचार, इसकी निंदा उसकी निंदा इसकी फरियाद, तो हृदय में ज्ञान की दिया ज्योत कैसे जलेगी। इसलिए भाई मेरे आज की दिवाली के दिन तू पक्का कर लो कि सड़ी गली पुरानी बातें याद करके ना अपना मुंह खराब करूँगा ना दूसरे का दिल खराब करूँगा, भविष्य का दुखदायी चिंतन करके अपने चित्त को मलिन नहीं करूंगा, वर्तमान में विकारों के बाहों में दल दल में नहीं बहूंगा, निर्विकार मेरे नारायण, निर्विकार मेरे नारायण, मेरे चैतन्य, मेरे सच्चिदानंद, नर नारी के अयन में तेरा तू मेरा, ओम आनंद नारायण 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 नारायण। बस प्रभु के नाम की दीपावली रोज मनाया करूँगा तो आज की दिवाली सैकड़ों गुना सुखदायी हो जाएगी। बाहर उजाला देखकर बालक खुशी हो जाए है, भीतर उजाला होए जब विद्वान तब सुख पाए है। बाहर का उजाला देखकर तो पतंगे भी खुश हो जाते हैं, बालक मती के लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन अंदर में आत्मा का उजाला हो तब बुद्धिमान साधक तब खुश होते हैं कि ज्ञान का दिया जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, सुख भी स्वप्न हो रहा है, दुख भी स्वप्न हो रहा है, चिंता नहीं आ रही है। मन का अंधेरा मेट कर कल्याण करिए आपका,
वो दिव्य दिवाली तभी फूटे घड़ा जब पाप का, ये मैं शरीर हूँ और संसार सच्चा है ये पाप का घड़ा जब फूटे, मैं आत्मा हूँ और संसार मिथ्या है तब हुई सच्ची दिवाली। कोई कठिन नहीं है। पावन घड़ी पावन दिवस कौशल्य वही पावन समय, वही कुशलता का समय है, वही पावन घड़ी है, वही पावन दिवस है। पावन घड़ी पावन दिवस कौशल्य वही पावन समय, अज्ञान तम जब दूर हो रवि आत्मा का होवे उदय, आत्मज्ञान का आत्म प्रकाश का जब उदय हो। है मास सो ही पुण्य का है वर्ष भी पावन वही, वही पुण्य मास वही पुण्य तिथि आसो दुसुद दो दिवस संवत 20-21 मध्यान 2:30 बजे। हमारी तो वही दिवाली अभी तक चल रही है, रोज रहती है। आप लोगों की आज दिवाली है, मैं चाहता हूं कि हमारी दिवाली भी आप लोगों की दिवाली हो जाए। बस है मास सो ही पुण्य का है वर्ष भी पावन वही, ये आत्म रवि का चांद चांदना है दिव्य दिवाली यही। वेद में आता है सामवेद में, सुत एति पवित्राहा आ तविषधान ओजसाहा विचक्षणाहा विरोचसनाहा। ज्ञानवान ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, ज्ञान बल से सबका हित करने वाला स्वतः यशस्वी होकर निज सामर्थ्य से ही शीघ्र उन्नत हो जाता है, ये सामवेद का वचन है। ज्ञान बल से सबका हित करने वाला, श्रद्धा के साथ ज्ञान होगा ना तभी आप दूसरे का हित कर सकते। दिवाली के चार काम होते हैं, एक तो घर का कूड़ा कचरा निकालना, ये हुआ बाहर का, ऐसे दिल का भी पुराना राग द्वेष निकाल देना, ये अंदर की दिवाली। दूसरा होता है नई चीज लाना, बर्तन लाते कपड़े लाते गहने गांठे नए कुछ न कुछ लाते सामान। अब अपने हृदय में कई जन्मों में विषय विकारों को पत्नी को पति को भोग को तुलाए, अब अपने हृदय में भगवान के सुख को लाओ। बस जरा सी बात ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सब कचरा पट्टी ला के भी हैरान हो जाते। आप तो अपने हृदय में भगवान के सुख को लाएंगे, बस इतनी गांठ बांध देने में तुम्हारे बाप का क्या जाता है। हम अपने हृदय में भगवत सुख लाएंगे, कोई हीरे लाए कोई गहने लाए कोई कुछ लाओ, हम तो अपने हृदय में भगवत सुख जगाएंगे। ये नई चीज हो गई ना, कई जन्मों में नहीं थी इसी जन्म में ले आओ। बस तीसरी बात है कि हम दिए जलाते बाहर, तो ऐसे अंदर में ज्ञान का दिया जलाओ। सुख आ गया तो उसमें डूबो नहीं, जैसे मूर्ख मक्खी चाशनी में डूब जाती है, सियानी मक्खी किनारे अपना काम बना लेती। तो सुख में भी डूबो नहीं दुख में भी डूबो नहीं, दुख आया तो संसार से वैराग्य कराने के लिए, और सुख आया है तो थोड़ा संसार का उपयोग करके सेवा करके अपना हृदय पवित्र करने के लिए। तो सुख आया है सेवा करने के लिए, दुख आया है वैराग्य करने के लिए, ज्ञान का दिया रखो। और चौथी बात है मिठाई खाते खिलाते, ऐसे ही आप भी भगवत सुख पाओ और दूसरों को भी पाओ, आप भी सत्कर्म करो दूसरों को भी करो। तो चार काम हो गए ना, कूड़ा कचरा निकालना, नई चीज लाना, दिया जगाना और मीठा मुंह करना, मीठा हृदय करना। ठीक है, हो गई दिवाली। ठीक, नारायण नारायण। आप सबको दीपावली के खूब खूब बधाई हो। नारायण।